अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मसाला, मैं आपके साथ निधि अविनाश। सिनेमाई दुनिया के इरफान साहब और ऋषि जी अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ गए हैं, जिनके जरिए वे रुलाते हैं, हंसाते हैं, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं और हमारी निजी दुखों को कुछ देर के लिए हमसे दूर ले जाते हैं। अपने अपने ढंग से सभी कलाकार यही करते हैं। कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे ने भी यही किया, लेकिन वे क्या है जो उन्हें खास बनाता है, वे क्या है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। सिनेमा के कपूर खानदान की सबसे मजबूत कड़ी ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 सुबह 8:45 पर दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हर उम्र के किरदार को पर्दे पर निभाया। ऋषि कपूर के करियर में कभी उम्र बाधा नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से किरदार को चुना और दमदार तरीके से पेश किया। उन्होंने पर्दे पर बॉबी का किरदार भी निभाया और मुल्क में मुराद का भी। समय के साथ साथ उम्र बढ़ी, शरीर ढला, लेकिन कला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं कलाकार मरता है लेकिन उनकी कला कभी नहीं, उनके निभाए गए किरदार हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं। जब ऋषि कपूर मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने अपनी एक फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपने बचपन का रोल दिया। जब ऋषि शूटिंग के लिए स्कूल नहीं जाते थे तो उनके अध्यापकों को ये बात बहुत अखरती। नतीजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज, जर्सी पहने, गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में एक हसीन लड़की लिए कासानोवा की बन गई थी। राज कपूर की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर को पहली बार राष्ट्रीय पहचान मिली थी। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने बेटे को एक ऐसी इमेज में ढाला जिसने कम से कम अगले 2 दशकों तक उनका साथ नहीं छोड़ा। 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई तो उसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। ऋषि कपूर जहां भी जाते उन्हें रॉकस्टार की तरह घेर लिया जाता, उनको नेशनल स्वीटहार्ट कहा जाने लगा। ऋषि कपूर के साथ कई अभिनेत्रियां ने या तो अपने करियर की शुरुआत की या फिर उनके साथ की गई फिल्म अब उनके करियर को कहीं ऊपर ले गई, लेकिन उनका दिल सिर्फ नीतू सिंह ने जीता और उनसे शादी करके उन्होंने अपने प्यार को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। ऋषि कपूर और नीतू कपूर करीब 12 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय इस जोड़ी को बेहद पसंद किया गया, खास तौर से युवा इस जोड़ी के दीवाने हुआ करते थे। रोमांटिक एक्टर के अलावा उन्होंने 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में विलेन की भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि विलेन की भूमिका के तौर पर उनकी ये पहली फिल्म थी। अभिनेता कपूर 2018 से ल्यूकेमिया से जंग लड़ रहे थे। जब बॉलीवुड के सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब पूरा बॉलीवुड और लोग सदमे में थे। बता दें कि ऋषि कपूर को लेकर मेडिकल स्टाफ ने बताया था कि उन्होंने आखिरी पलों तक सबका मनोरंजन किया। इसी बीच एक वीडियो नेट पर वायरल होने लगी जिसको देख लोग उनका आखिरी वीडियो बताने लगे। जब इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाया गया तो पता चला कि ये वीडियो फरवरी महीने की थी, जब ऋषि कपूर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वीडियो में दिख रहे वार्ड बॉय ने भी इसकी पुष्टि की। ऋषि कपूर ने चरित्र अभिनेता के रूप में जिन किरदारों को निभाया उनके साथ हमेशा न्याय किया। लता मंगेशकर ने बिना वजह ही नहीं कहा था कि वो कपूर खानदान के सबसे होनहार अभिनेता थे। उनके अभिनय की खासियत थी उसका एफर्टलेस यानी सहज होना। आज के युग में एक रोमांटिक हीरो के लिए ना सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी है बल्कि दुबले पतले होना भी उतना आवश्यक है। ऋषि कपूर हमेशा ओवरवेट रहे लेकिन तब भी युवाओं को बीच उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। मेरी उम्र के नौजवानों के गाने से युवाओं का दिल जीतने वाले ऋषि कपूर को हमारा सलाम।